अब की बार नंबर वन, कागजों पर नहीं धरातल पर भी करने होंगे काम, तभी बनेगा इंद्रगढ़ स्वच्छता में नंबर वन। नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से चलाई जा रही स्वच्छता अभियान में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए सबसे साफ और कचरा मुक्त नगर कौन है, इसके लिए मार्च महीने में केंद्रीय स्वच्छता सर्वे की टीम आने वाली है। अपने नगर को जिले में सबसे साफ और कचरा मुक्त दिखाने के लिए जिले के इंद्रगढ़ नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपनी ओर से पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस बार अधिक से अधिक अंक लेकर इंद्रगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हो। इसके लिए साफ सफाई से लेकर कचरा मुक्त करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वहीं वार्ड में जाकर महिलाओं को समझाया गया कि घरों से निकलने वाले कचरे को बाहर सड़क पर ना फेंकें, ना ही नाला नालियों में फेंकें। इसके लिए नित नए नवाचार किए जा रहे हैं। नगरवासियों को साफ सफाई का महत्व समझाया जा रहा है। नगर स्वच्छता रैंकिंग में पहले नंबर पर कैसे आए, इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं के साथ स्कूल की शिक्षिकाओं के साथ आम जनता को आमंत्रित किया गया और इंद्रगढ़ नंबर वन कैसे बने, इसके लिए सुझाव लिए गए। वहीं सभी ने एक साथ शपथ ली कि अब की बार नगर बनेगा नंबर वन, इसके लिए सभी मिलकर काम करेंगे। सीएमओ महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि नगर को प्रथम स्थान दिलाना है, ये नगर पालिका के साथ साथ सभी की जिम्मेदारी है। सभी प्रयास करेंगे तो जरूर नंबर वन बनेंगे। यही चाह रहे हैं कि ये जागरूकता जनता में पहुंचे, सब लोगों के बीच में, कि पॉलीथिन से मुक्त करना है नगर परिषद इंद्रगढ़ को। आप कैसे ला पाएंगे, आप जो रैंकिंग है आपकी इस बार पिछली बार कम थी, तो आपका प्रयास है कि हम सबसे अच्छी रैंकिंग लाएं, तो कैसे ला सकते हैं आप? नहीं, हमें जो उसके जो कंपाउंड हैं उन कंपाउंडों पर काम करना है, दस्तावेजीकरण करना है, और ऐसा नहीं है कि कागज़ों में ही नहीं, धरा पर भी काम करना है। तो धरा पर जब काम करेंगे तो जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है, लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रयासरत हैं कि हमारी पहले जो जोनल में 104 नंबर था, अब अंडर 15 आना चाहते हैं, और इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ।